इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ये आज के ज़माने में कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है उनमें कोयला, हाइड्रो प्रोसेस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑयल और नेचुरल गैसेस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इन प्रोसेस से पूरी दुनिया की 96% तक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। डैम में जिस प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे ही हाइड्रो प्रोसेस कहते हैं, जिसमें पानी के गिरने या तेज बहाव वाली जगह पर डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी दो तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसमें पहली प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें किसी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, और दूसरी प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें दो न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है। अब तक हम न्यूक्लियर फ्यूजन को ही एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि इसमें एक पूरे के पूरे शहर को भी 1 किलोग्राम यूरेनियम का यूज़ करके 3 सालों तक बिजली दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें एनर्जी बनाने में काफ़ी बड़ी मात्रा में वेस्ट बचता है, जिसे फेंकना एक बहुत बड़ी सरदर्दी होती है, क्योंकि ये वेस्ट भी काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए ये प्रोसेस एक एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, जिसे मैंने अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। दूसरी प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और इसमें वेस्ट भी नहीं बचता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि फ्यूजन प्रोसेस को कराने के लिए तो किसी खास टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो जाती है, जबकि फ्यूजन प्रोसेस को कराने के लिए अबाउट 100 मिलियन केल्विन मतलब 9,99,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब ये टेम्परेचर सिर्फ दो ही जगह मिल सकता है, या तो सूरज पर या फिर खुद न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ही, क्योंकि हम सूरज को तो यहाँ ला नहीं सकते। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कराने के लिए पहले इसके अंदर खुद ही न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को कराना होता है। अब आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि जब फ्यूजन प्रोसेस को कराने से ही उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि इसमें 1 किलोग्राम यूरेनियम का यूज़ करके ये पूरे के पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी का लोड संभाल सकता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जिसे शुरू कराने के लिए खुद पहले फ्यूजन को ही कराना होता है, इससे कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी। अब यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन से तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती थी, लेकिन जितनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से प्रोड्यूस होती है उसे कंट्रोल कर पाना अब से पहले तक मुमकिन नहीं था। क्योंकि अब फ्रांस के सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस की जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर मतलब ITER बनने जा रहा है, जिसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट जैसे 35 दूसरे देश मिलकर बना रहे हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर असल में एक बहुत बड़ी मशीन है जिसका नाम है टोकोमाक, जो न्यूक्लियर फ्यूजन में बनने वाली अपार एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करती है। और जिस तरह ये फ्यूजन में बनने वाली एनर्जी को कंट्रोल करती है, असल में उसी पर यह सारा न्यूक्लियर रिएक्टर टिका हुआ है। इस मशीन से एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का काम न्यूक्लियर फ्यूजन में जो प्लाज्मा एनर्जी बनती है उसे टॉरस मतलब ऐसे आकार में बदलना होता है, ताकि उसे इधर उधर फैलने से रोका जा सके। यहाँ प्लाज्मा का मतलब वो नहीं है जो आप किसी वॉल्केनो के विस्फोट में देखते हैं, बल्कि फिजिक्स में प्लाज्मा का मतलब इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद मैटर की चौथी फंडामेंटल स्टेट होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में इसी का प्रोडक्शन होता है जिसे इस मशीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में बनने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, और इसे कंट्रोल करने वाली ये मशीन भी कई सालों में बनकर अब तैयार होने जा रही है। इसे बनाने का प्लान सबसे पहले 1950 में रूस की सोवियत यूनियन के फिजिसिस्ट इगोर टैम और एंड्री सैखेरोव ने सोचा था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत करने वाले सोवियत यूनियन के ही एक दूसरे फिजिसिस्ट नेटन यावलिंस्की थे, जिन्होंने 1958 में इस पर वर्किंग शुरू की थी, और फिर धीरे धीरे करके इसमें और देशों के नाम भी जुड़ते चले गए। तब से लेकर अब तक इस मशीन डिवाइस टोकोमैक बनाने की प्रोसेस आज जाकर पूरी होने जा रही है। टोकोमैक सिर्फ 20 मिनट में ही 50 मेगावाट थर्मल पावर लेकर इससे 10 गुना ज्यादा मतलब 500 मेगावाट थर्मल प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक 10 लाख आबादी वाले शहर को भी साल में अबाउट 10,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अंदाजन सिर्फ 7 से 8 घंटे में ही इतनी बिजली बना लेगा कि एक 10 लाख आबादी वाला शहर इसे पूरे एक साल से भी ज्यादा तक यूज कर पाएगा। भले ही ये फ्यूजन रिएक्टर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, लेकिन ये पहला फ्यूजन रिएक्टर नहीं है। इससे पहले भी कई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन चुके हैं, लेकिन 1950 से अब तक जो 100 से भी ज़्यादा फ्यूजन रिएक्टर बने हैं, ये उनमें अब तक का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है।
इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने की कॉस्ट 22 बिलियन यूरोपियन यूरो है और कहा जा रहा है कि 2035 तक इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए क्रायोस्टेट मतलब एक बहुत बड़ी सी फ्रिज का प्रोडक्शन एक इंडियन कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो मतलब LNT ने ही किया है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद हम अपने क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि हमारे सूरज में भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ही चलती है जिसमें इतनी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि ये अकेला हमारे सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट्स को रोशनी देता है। और एक बार इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद हम भी एक तरह से एक छोटा सा सूरज ही अपनी दुनिया में बना लेंगे जो कि आगे फ्यूचर में काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आ सकता है, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें लगभग हर काम और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में होती ही है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरी रिसर्च और स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है और फ्यूचर में भी आप मेरी रिसर्च और स्टडी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।